तो वेलकम है दोस्तों आपका। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वालों के लिए। जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखा है उनका सेमेस्टर सिक्स में DSE का पेपर 3 किस टाइप का आएगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले DSE का पूरा नाम जान लीजिए। तो DSE का फुल फॉर्म होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, ठीक है। इसके 4 पेपर होते हैं, सेमेस्टर 5 में 2 होते हैं और सेमेस्टर 6 में 3 और 4। अब आइए देख लेते हैं, आपका सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटिकल ऑफ मेजर पावर, ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ मेजर पावर। एंड ये जो पेपर है आपका 2015-18 सेशन में पूछा गया पेपर है। समय 3 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 80 होता है और पासिंग मार्क्स आपका इसका 40%, 80 का 40%, यानी कि 32 नंबर। अब आइए देखते हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी एंड आंसर एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम द रिमाइनिंग 7 क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देना अनिवार्य है, शेष 7 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दें। यानी कि प्रश्न संख्या 1 को पहले बनाना है, उसके बाद इस पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं। तो टोटल आपके यहाँ पे 8 क्वेश्चन हैं, 8 में से आपको जो है 4 का आंसर लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, इनको 8 में नहीं 7 में लिखा है ना रिमाइंड, ये आपका 8 में होना चाहिए, यहाँ पे 8 होना चाहिए। अब आइए देखते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न जो कि 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 को 2 भागे बांटा गया है, भाग ए और भाग बी। भाग ए में आपका 2 अंकों वाले 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इसके मिलेंगे 10 नंबर। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटरमिनेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटरमिनेंट ऑफ ओरिजिन पॉलिसी ऑफ स्टेट। यानी कि निम्नलिखित में से कौन राज्य विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, दूसरा ऑप्शन है इतिहास और संस्कृति यानी कि हिस्ट्री एंड कल्चर, ऑप्शन 3 राज्य की जाति व्यवस्था कास्ट सिस्टम ऑफ अ स्टेट, एंड 4th ऑप्शन है विश्व जनमत यानी कि वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर बी है आपका कि सोवियत संघ के निम्नलिखित नेताओं में से किसने शीत युद्ध के अंत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हु ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ सोवियत यूनियन प्लेड इम्पोर्टेंट रोल फॉर द एंड ऑफ कोल्ड वार बिटवीन सोवियत यूनियन एंड USA। तो सोवियत यूनियन जो है आपका, इसको सोवियत यूनियन बोला जाता है या सोवियत यूनियन जो बोलिएगा, सोवियत संघ। तो दोस्तों 1945 से लेकर 90 तक शीत युद्ध का दौर चला था, समझ सकते हैं कितना बड़ा युद्ध था। और उस समय विश्व पूरा का पूरा विश्व 3 गुटों में बंटा हुआ था, एक था पूंजीवादी, एक था आपका साम्यवादी और एक था नॉन एलिजिलेंट मूवमेंट जिसे आप लोग नाम बोलते हैं, उसे तीसरी दुनिया के लोग बोलते थे, उसमें भारत शामिल था। चलिए उस सब के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने, लेनिन ने, मिखाइल गोर्बाचेव ने या जोसेफ स्टालिन ने, किसने शीत युद्ध को समाप्त करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी बताना है। सी नंबर है नाटो और वर्षा संधि के देशों के बीच शीत युद्ध का अंत करने वाली ऐतिहासिक संधि कब और कहाँ हुई। When and where was the historical tragedy? Historical treaty signed between the NATO and Warsaw Pact countries to end the Cold War? तो यह कब हुई थी यह संधि आपको बताना है। 19 नवंबर 1990 पेरिस में, या फिर 19 नवंबर 1990 मॉस्को में, या फिर 19 नवंबर 1990 न्यूयॉर्क में, या फिर दिल्ली में 20 नवंबर 1995 दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था, सही आंसर क्या है आप लोग देख लीजिएगा। मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, पूरे के पूरे वीडियो में, ठीक है ना। ये देखते हैं 4th क्वेश्चन। तो चौथा है हमारा, किस तिथि को सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत ने प्रस्ताव पारित करके सोवियत संघ का अंत किया और स्वयं को भंग किया। तो दोस्तों सबसे पहले सोवियत संघ को, रूस जो अभी रूस है उसी को सोवियत संघ बोला जाता था, उसमें बहुत सारे देश भी थे लेकिन मेन जो देश था वह था रूस, रसिया, उसको USSR सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था पहले। अब आइए देखते हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि किस सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत ने प्रस्ताव पारित करके सोवियत संघ का अंत किया और स्वयं को भंग किया।
26 नवंबर 1949 को या फिर 26 नवंबर 1991 को। 1991 वाला डेट होगा, नवंबर होगा या दिसंबर मुझे मालूम नहीं यार। 26 नवंबर 1990 या 26 नवंबर 1991, 26 दिसंबर 1991 एगो दिया है। ई नंबर क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, कि नाटो और वारसा देशों के बीच संधि के उपरांत सीड युद्ध के अंत होने के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका व्हेन द ट्रीटी बिटवीन नाटो एंड वारसा पैक्ट कंट्रीज वाज साइनेड टू एंड द कोल्ड वार। उस समय कौन थे? जॉर्ज बुश, वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, बिल क्विंटन या रोनाल्ड रिगन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बी नंबर, तो वन का बी। इसमें 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर देने होंगे और छोटा छोटा आंसर लिखना होगा, लगभग 100 शब्द का, यानी कि एक खड़ा पन्ना का एक साइड में लिख दीजिए हो जाएगा। देख लेते हैं कि नहीं, दो पे ही लिखना है, आपको 4 दिए हुए हैं। पहला है विदेश नीति के बाहरी निर्धारक तत्व यानी कि एक्सटर्नल डिटरमाइनिंग फॉरेन पॉलिसी, और है बी नंबर शीत युद्ध के अर्थ एवं प्रकृति मीनिंग एंड नेचर ऑफ कोल्ड वार। और पूरा पूरा पेपर आपको लगभग शीत युद्ध से ही रिलेटेड है, आप लोग क्लास 12th में अगर आर्ट्स लिए होंगे तो पढ़े होंगे, क्लास 12th में लगभग 4 चैप्टर शीत युद्ध में था क्योंकि मैंने आर्ट्स किया था। शीत युद्ध के अंत के कारण क्या है? केओस ऑफ एंड ऑफ कोल्ड वार। डी नंबर है विदेश नीति के लक्ष्य क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी। एंड यहाँ से आपके शुरू होते हैं 20 अंकों वाले प्रश्न, और 20 अंकों वाले प्रश्नों का उत्तर आपको 4 पन्नों में देना है। 4 पन्ना बोले तो 2 खड़ा पन्ना, 1 खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं दोनों साइड के, ठीक है। तो पहला देखते हैं, इसमें बड़ा क्वेश्चन है, विदेश नीति के आंतरिक निर्धारक तत्वों का वर्णन करें। डिस्कस द इंटरनल डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी शक्तियों के निर्धारक तत्वों के बारे में लिखें। डिस्कस द डिटरमिनेंट्स ऑफ मेजर पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और यही आपका सब्जेक्ट भी है, मेजर पावर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। चौथा है आपका, शीत युद्ध के अंत के बाद प्रथम 10 वर्षों में अमेरिका रूस संबंधों पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन अमेरिका एंड रशिया ऑफ ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वार, ठीक है। तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी, ये तो हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न, शीत युद्ध की समीक्षा के बाद दक्षिण पूर्व एशिया के प्रति अमेरिकी विदेश नीति की व्याख्या करें। डिस्कस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिकन टूवर्ड साउथ ईस्ट एशिया आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वार। ये भी आपका 20 मार्क्स का है, सभी क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा 6ठा प्रश्न है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 10 वर्ष, अरे यार एक ही क्वेश्चन, 10 वर्ष की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की व्याख्या करें। कुछ उसी टाइप का है जो कि अभी एक क्वेश्चन मिला था, डिस्कस द डिटरमिनेंट ऑफ द रशिया फॉरेन पॉलिसी, इसमें रूस का पूछा है, आफ्टर द कोल्ड वार ऑफ 10 ईयर। नेक्स्ट है आपका 7वां प्रश्न, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद फ्रांस की विदेश नीति के मुद्दों की व्याख्या करें। देखिए, जब शीत युद्ध समाप्त हो गया 1991 में, तब सभी देश अपनी अपनी विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने लगे, यहाँ तक कि भारत ने भी बदला था अपनी विदेश नीति को। 7वां है कि डिस्कस द मेजर इश्यूज ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ फ्रेंच आफ्टर द कोल्ड वार। एंड अंतिम प्रश्न है, शीत युद्ध काल में भारत चीन संबंधों पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द इंडो चाइना रिलेशनशिप ड्यूरिंग द पोस्ट कोल्ड वार। तो दोस्तों, शीत युद्ध के समय में 1965 में आपको याद होगा भारत चीनी भाई भाई के नाम से एक जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव दिया था, लेकिन चीन ने हम लोगों को वार कर दिया 1962 में, और उसी कारण बहुत सारे हम लोग को लगभग 5 साल पीछे जाना पड़ा था अपनी अर्थव्यवस्था के लिए। उन सब चीज़ों को बताना है एंड पंचशील समझौता बताना है। तो ये था आपका बीए सेमेस्टर 6 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का डीएससी पेपर 3। अगर आपको डीएससी पेपर 4 देखना है, या फिर एमए का क्वेश्चन पेपर देखना है, या फिर बीएड का क्वेश्चन पेपर देखना है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है।